हाय, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही है। आज का वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, हाउ आई गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू बी अ मॉम। सो बिफोर यू नो आई जस्ट टेल यू माय स्टोरी, आई प्रे टू ऑलमाइटी कि जो भी लोग इस ब्लेसिंग के लिए तरस रहे हैं, जो भी लेडीज़ यू नो वॉन्ट कि वो जल्दी से मामा बन जाएं, भगवान करे उन सब को प्यारे प्यारे बेबीज़ मिले और उनकी और उनके बेबीज़ की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे और जो भी मॉम्स हैं उन सब के बच्चे बिल्कुल हेल्दी रहें। सो यस, मेरी प्रेगनेंसी जो है दैट आई गॉट टू नो इन आई गेस फेब्रुअरी, या आई गॉट माई पीरियड्स मिस इन जनवरी। जनवरी में मेरा पीरियड्स मिस हुआ था, दिसंबर का पीरियड्स मेरा बिल्कुल सही रहा था। अब व्हाट हैपेंड, मैं हैवियर साइड पे थी तो बिफोर मैरिज ऑल्सो मेरे पीरियड्स जो थे वो मिस ही चलते थे, तो मेरे को एज सच कोई यू नो बहुत बड़ा चीज़ लगता नहीं था कि हाँ पीरियड्स मिस हो गया तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो आई यूज़ टू फील लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपेंड दैट इन जनवरी जब पीरियड्स मिस हुआ, बॉडी वॉज कम्प्लीटली फाइन। एंड फेब्रवरी जो अल्ट्रासाउंड का मेरा डेट था, मार्च में मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ तो फेब्रवरी में कंसेप्शन का डेट बताया गया, 1 फेब्रवरी। नाउ व्हाट हैपेंड कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, सो इट्स फाइन। बट हुआ क्या, जनवरी के पीरियड्स मिस होने के बाद फेब के पीरियड्स भी मिस हो गए। मुझे 13th ऑफ जन को आई गॉट टू गेट माई फर्स्ट पीरियड्स मिस्ड, दिसंबर में है। पर हुआ क्या, उसके कुछ टाइम पहले से ना मेरा मैरिज हुआ था नवंबर में, नवंबर 27th को, तो उसके कुछ पहले से लगा लो आप जुलाई या अगस्त से माय पीरियड्स वर रेगुलर। जुलाई में ठीक आया, देन अगस्त में ठीक आया, सितंबर में रेगुलर हो गया, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में भी मुझे सही आया। एंड व्हाट हैपेंड, जेन का मिस हो गया तो आई टॉक टू माय मॉम, आई टॉक टू माय डैड, दे सेड इट्स फाइन बिकॉज इन माई केस इट इज़ पॉसिबल। तो बट माई फादर सेड दैट यू शुड गो एंड गेट इट चेक्ड वाई इट्स गेटिंग मिस्ड। तो आई टॉक टू हिम कि ठीक है पापा, अगर मुझे लगेगा फैब का भी मिस हो गया देन आई विल गेट इट चेक। अभी फैब का भी मिस हो गया तो आई टॉक टू माई हस्बैंड कि ऐसे ऐसे है, तो ही सेड लेट इट्स गेट इट चेक्ड। तो वी हैड बीन टू अ डॉक्टर इन गुड़गांव, द नेम ऑफ द डॉक्टर इज़ प्रियंका यादव एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप उनसे जाके एक बार यू नो इफ़ यू गेट टू गेट अ चांस, तो शी इज़ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे देती हैं, तो आपको अगर कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। या सो आई गॉट टू गेट चेक्ड। अभी हुआ क्या, मैंने जब पहले घर पर चेक किया तो माई सेकेंड लाइन आई गॉट इट चेक ऑन प्रेगा न्यूज़, तो जो सेकेंड लाइन थी दैट वॉज अ फेयर डेड लाइन। मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए तो दैट वॉज शोइंग कि फेडेड लाइन समटाइम्स मीन्स नॉट प्रेगनेंट। तो इट वॉज लाइक दिस, व्हेन आई शोड दैट स्ट्रिप टू माई हस्बैंड ही वॉज लाइक वी शुड गेट इट चेक। तो मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पूजा, आई टॉक टू हर, शी सेड रिपीट द टेस्ट आफ्टर अ वीक। तो मैंने एक हफ्ते के बाद रिपीट करा तो इट वॉज द सेम थिंग। अभी वी वर यू नो कन्फ्यूज दैट इफ इट इज़ अ प्रेगनेंसी बिकॉज आई एम इन द राइट एज टू गेट प्रेगनेंट एट द राइट टाइम, सो वी थॉट वी शुड गेट अ कंसल्टेशन। देन वी विजिटेड हर एंड शी डिड माई HCG। सो HCG आई डोंट रिमेंबर वट वॉज दैट, वो एक छोटा सा अमाउंट था। शी सेड आफ्टर 48 hours वी आर गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज मेरे केस में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का भी डाउट था। आई एम ऑन हैवियर साइड तो ये सब चीज़ें इज कॉमन। तो शी टुक माई वेट, शी टुक माई BP, आई वॉज हैविंग अ हाई BP, ओबेसिटी इज देयर सो BP ऑब्वियसली शूक करेगा, तो BP हाई था। एंड उनके जो लेबॉरट्री में यू नो द पर्सन वॉज टेकिंग टेस्ट, इट वॉज लाइक मैम रिलैक्स के, तो वो मेरा BP कूल डाउन करने की ट्राई कर रहे थे। नाउ एवरीथिंग हैड बीन डन, HCG हो गया आफ्टर 48 hours, HCG वॉज अप, आफ्टर अगैन रिपीटिंग HCG वॉज अप। नाउ शी सेड गो एंड गेट अल्ट्रासाउंड डन।
अल्ट्रासाउंड करवाया, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्रॉम हेयर ओनली गुड़गांव से ही करवाया, बट उसमें जो दिखा उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिखी, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं दिखी। मैंने करवाया था छाबड़ा डायग्नोस्टिक से, तो आई विल बी शोइंग माई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स टू यू एज वेल। वो अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, तो आई विल गेट इट एंड आई विल शो इट टू यू। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में सिर्फ यूट्रस का जो आई डोंट नो डॉक्टर के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, जो दिखता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो पॉजिटिव था, बट प्रेगनेंसी जैसा कुछ नहीं दिखा। तो आई हैड सेंड दैट रिपोर्ट, मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा था बिकॉज शी वॉज गिविंग ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आई वॉज व्हेन मैंने वो रिपोर्ट भेजी तो शी सेड कि यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है, तो HCG शी रिकमेंडेड अगेन। तो जब हमने फोर्थ HCG करवाया, दैट शोन अ ग्रेट पॉजिटिव प्रेगनेंसी। सो ये था मेरी प्रेगनेंसी का, यू नो हाउ आई कंसीव दिस। आई गॉट टू नो ऑन 22nd of February दैट मेरा जो कंसेप्शन है वो 1st February का है। तो वो उसने उस अल्ट्रासाउंड से दिखा। तो जो मैंने नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट दिखी, दैट वॉज डन इन मार्च। तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वेरी सून। सो दिस वॉज अबाउट हाउ आई कंसीव्ड एंड कमिंग टू नो अबाउट इट व्हेन आई टॉक टू माय पेरेंट्स, माय इन लॉज। मेरी मदर इन लॉ वॉज लाइक, मैंने जो उनसे क्वेश्चन पूछा दैट वुड यू लाइक टू बी अ ग्रैंड मदर, क्या आप दादी बनना चाहोगे, एंड शी सेड अभी नहीं बनना है तो कब बनना है। शी वॉज वेरी हैप्पी। सेम मैनर मेरे पापा, मेरी मामा, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, एंड माई हस्बैंड ही वॉज लाइक हाउ टू रिएक्ट, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो दिस वॉज वॉट माई प्रेगनेंसी वॉज अबाउट। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड थिंग, एंड येस मेरी प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज वॉज अ वेरी यू नो कन्फ्यूजिंग, कहीं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बिकॉज BP इज हाई, विल नॉट इट डैमेज द बेबी, एंड क्या है एक्चुअल में। तो मैं आप लोगों से पूरा डिस्कस करूँगी, आप लोग से पूरा शेयर करूँगी हाउ वॉज इट एंड हाउ थिंग्स वेंट। एंड द बेस्ट थिंग इज माई डॉटर टर्नड 1, और मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी है। सो आफ्टर शी इज 1 आई एम डिस्कसिंग द थिंग्स विद यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, and do not forget to subscribe. Thank you so much. Wish you all a very good day.